ब्रेक के बाद रुक करते हैं फरीदाबाद की कुछ और खबरों की तरफ। ठेकेदार के अंतर्गत काम कर रहे हुडा के 311 सफाई कर्मचारी को पूर्व ठेकेदार ने बिना किसी कारण के नौकरी से बाहर कर दिया, जिससे गुस्साए सफाई कर्मी 3 माह से हुडा कार्यालय पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कर्मी नेताओं का कहना है कि अनियमितता बरतने वाले ठेकेदार को हटा दिया गया है तथा 166 कर्मचारियों को दोबारा काम पर लिया जा रहा है। शेष कर्मचारियों को नगर निगम में समायोजित करने के लिए वे फिर से लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि हुडा के सेक्टर नगर निगम को स्थानांतरित हो गए हैं। हुडा के मार्केट के जो सफाई कर्मचारी 311 ठेके प्रथा में लगे हुए थे और इनको जो ठेकेदार था पूर्व, उसने गलत गैर कानूनी तरीके से छटनी कर दिया था और उसके विरोध में यहाँ पर प्रदर्शन चल रहा था और उस ठेकेदार ने इनके ईएसआई ईपीएफ के पैसे का भी गबन किया और इनके वेतन के अंदर भी बहुत बड़ी उसने घपलेबाजी करी, तो उसके खिलाफ ये आंदोलन था। और इन कर्मचारियों की शिकायत के आधार पर जो पूर्व ठेकेदार था उसका ठेका खत्म कर दिया गया है और अब नए ठेकेदार को यहाँ पर लाने की कार्रवाई शुरू की गई है। तो अभी हमारा ये जो आंदोलन है ये बिल्कुल एकदम सफलता के करीब है। लगभग 81 के करीब सफाई कर्मचारियों को हम आज लिस्ट दे देंगे, कल उनको ड्यूटी ज्वाइन करा देंगे और 166 सफाई कर्मचारी यहाँ जो हुड्डा के अंदर मार्केट हैं सेक्टरों की उनके अंदर लगाए जाएंगे। 166 सफाई कर्मचारियों को यहाँ ज्वाइनिंग कराने के बाद जो बाकी सफाई कर्मचारी 311 में से बचेंगे उन कर्मचारियों के लिए नगर निगम में हम संघर्ष करेंगे, क्योंकि हुड्डा ने 10-12 सेक्टर नगर निगम को हैंडओवर कर दिए और जब उनकी सभी ज़मीन पर उनके सभी टैक्सेस पर नगर निगम का हक है, परमानेंट कर्मचारियों को भी वहां समायोजित करने के लिए भेज दिया गया है, तो फिर ये जो चीफ सेक्रेटरी की चिट्ठी है कि जो भी ठेकेदारी में कर्मचारी लगा होगा और उस काम का अगर दोबारा ठेका किया जाता है तो वही इम्प्लॉयज लगेगा जो पहले से काम कर रहा था, उसके आधार पर इन कर्मचारियों को नगर निगम में समायोजित कराने का हम अब आगे संघर्ष करेंगे और निश्चित तौर पर हमारा ये आंदोलन मजबूती से आगे बढ़े।